उदयोन्मुख चित्रकार परिषदेतर्फे प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं. पी एन गाडगीळ ज्वेलर्सच्या कला दालनातील चित्रकार स्नेहल संजय तोतला या विद्यार्थिनीच्या कलात्मक चित्र प्रदर्शनाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं होतं. या चित्र प्रदर्शनात पी एन गाडगीळ ज्वेलर्सचे व्यवस्थापक खेमराज ठाकूरला, चित्रकार सुतार तसेच अजिंक्य तोतला यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या ठिकाणी स्नेहल तोतला आणि व्यवस्थापक पी एन गाडगीळ यांनी ईबीएम न्यूजला अधिक माहिती दिली आहे. याबाबत स्नेहल तोतला हिने ईबीएम न्यूजला अधिक माहिती दिली आहे. पी एन गाडगीळ में पेंटिंग एक्झिबिशन लगा है, कलात्मक नाम है और इसमें सारे मीडियम के मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है. जो न्यू मैंने कंसेप्ट इस बार लाया है वो है 3D मिक्स मीडिया, जिसमें 3D पेंटिंग्स है, उसमें एंटिक लुक, फ्लावर लुक, फ्रूट्स का और राम मंत्र, आर्किटेक्चुरल फ्रेम जिसको चारों तरफ से आप कोई भी एंगल में लगा सकते हो, उस तरीके की पेंटिंग्स आई है. जूट के ऊपर मैंने पेंटिंग किया है, वाटर कलर मीडियम, ड्राई पेस्टल मीडियम, चारकोल, ये सारे मीडियम्स मैंने ट्राई किए हैं और सारे मीडियम्स में मैंने काम किया. सबका इंस्पिरेशन और मोटो मुझे तरुण भाटे सर से मिला है और मेरा एजुकेशन भी इसी फील्ड में, मतलब मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उनका भी थैंक यू. और मुझे स्टेट लेवल पे भी, महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे भी 3 अवार्ड्स मिले हैं, 3 सिलेक्शन हुए हैं फ्रेम के, कॉलेजेस में भी अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए भी मैं कॉलेज का उन सबका थैंक यू है. एम जहांगीर आर्ट गैलरी की तरफ पढ़ने का है और मैं कोशिश करूंगी और मुझे है यकीन कि मैं करूंगी कि जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा आर्ट डिस्प्ले हो, मेरा ये एग्जीबिशन वहां भी विपरीत है. या प्रदर्शनाविषयी पुना गाडगीळ चे व्यवस्थापक खेमराज ठाकूरला यांनी ईबीएम न्यूजला अधिक माहिती दिली आहे. जळगावमध्ये असं प्लॅटफॉर्म कुठेच नव्हतं जे पुना गाडगीळ यांनी इथे रिंग रोडला एक आर्ट गॅलरी एक उपलब्ध करून दिलेलं आहे. कलाकारांना एक त्याची एक व्हॅल्यू मिळावी त्यासाठी इथे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आपण एक्झिबिशन करून करायला देतो आणि फक्त कलाकार नाही ज्यांची हॉबी आहेत त्यांच्यासाठीही एक व्यासपीठ आपण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. तर जळगावकरांना मी आवाहन करतो की त्यांना आवड आहे कलेप्रती तर त्यांनी इथे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये एक्झिबिशन करावं व मी लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी हे एक्झिबिशन पाहावं आणि यावं. धन्यवाद. शेवटी पुन्हा एकदा जाणून घेऊयात आजच्या ठळक घडामोडी. नामदार गिरीश महाजन यांनी पीक नुकसान पाहणी दरम्यान शेतकरी सोपान पाटील यांना धक्का देत बाहेर काढण्याचा विषय मिटता मिटेना. भुसावळ सतेज क्रीडा मंडळ आयोजित ज्ञानेश्वर चषक कबड्डी स्पर्धेचं उद्घाटन आणि रमजान ईद निमित्त खासदार रक्षा खडसेंच्या हस्ते भुसावळात कपडे वाटप.